आपको साधा जाता है आत्मिक चिंतन से, और आत्मिक चिंतन होता है प्रभु के नाम से। उसके नाम का सुमरण करो, सेवा करो, तभी आत्मिक चिंतन होगा। और आत्मिक आनंद ऐसा आनंद है जिसके आने से आदमी में बहुत शक्तियां आ जाती हैं। सबसे ज्यादा आती है सहन शक्ति, और सहन शक्ति से होता है आत्मा का कल्याण, आत्मा में बहार छा जाती है। अब अगर आपके अंदर सहन शक्ति है, कोई आपको बुरा बोलता है, गलत बोलता है, गलत कहता है, आपके ऊपर लेश मात्र असर नहीं होता, कहने वाले के ऊपर ही वो सारा कहा हुआ चला जाता है। मान लीजिए कोई आपको गालियां दे रहा है, बुरा बोले जा रहा है, और आप एक चट्टान की तरह सुमरण करते हैं, भक्ति करते हैं, उसकी परवाह ही नहीं करते। जिनके अंदर आत्मिक शांति होती है वो हाथी के मानिंद गुजर जाते हैं, और जो करने वाले होते हैं वही चू चू करते रहते हैं। बाद में उनके ऊपर ही वो सारी गालियां उनको ही लगती रहती हैं जो बोलता रहता है। इसलिए आत्मिक शांति और आत्मिक सहन शक्ति बहुत बड़ी बात है, पर ये हर किसी के अंदर मौजूद नहीं होती। इस आत्मिक शांति को हासिल करने के लिए आपको सुमरन करना है, सेवा करनी है, और मालिक सो मालिक को मांगते हुए आगे बढ़ना है। जब तक आप भक्ति नहीं करते, आपके अंदर से हरिरस अमृत आबो हयात प्राप्त नहीं होता। और हरिरस अमृत ही एक ऐसी आत्मा की खुराक है जो आत्मा को आत्मिक शांति देती है और आत्मबल सहन शक्ति देती है।